जम्मू पीली क्रांति का गवाह बन रहा है। यहाँ हजारों हेक्टेयर जमीन पर सरसों की खेती की जा रही है। सरसों उगाने वाले किसानों को इस साल अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। सरसों हमारी बहुत अच्छी है, हम जी लगाते हैं सरसों का, और जम्मू में सारे सरसों ऐसे लगाते हैं, तो हमें बहुत फ़ायदा है इसका, और मार्केट में भी मिलती है, ये बेचते हैं हम। ऐसे सरसों लाने हर समय हर बारी लाने हैं, तो इस बारी थोड़ी ठीक हुई है, पिछले बारी तो बिल्कुल गै कदे होंगी कदे नहीं होंगी, इं सुी होंगी मतलब, तो इस बारी अं उम्मीद है कि थोड़ा बेनीफिट होगा। सही किसान सरसों की पैदावार पिछले कई साल के मुकाबले बेहतर होने की उम्मीद लगाए हैं। हालांकि बम्पर फसल के लिए सही वक्त पर बारिश होना भी जरूरी है। ऐसी फसल इस बार तो ठीक ही है, लेकिन थोड़ा सा बारिश की वजह से थोड़ा कमी है। अगर टाइम से बारिश होती ना तो फिर ज़्यादा होती, लेकिन थोड़ी बारिश की वजह से अभी थोड़ी नर्म है जी, लेकिन इससे भी अच्छी होती है अगर टाइम से बारिश हो जाए, अच्छा बीज हो। ये तो घर का बीज है हमारा, 2 साल पुराना बीज है, तो एग्रीकल्चर से हम यही उम्मीद करते हैं कि अबे हमें नया बीज दे, जैसे हमारी फसल अच्छी हो और हमारा रोजगार चले। किसानों की ये भी मांग है कि कृषि विभाग पैदावार बढ़ाने के लिए उन्हें सरसों के नए बीज मुहैया कराए। ये फसल हमारे लिए अच्छी है क्योंकि हम इसी पे निर्भर हैं। जो गेहूं की फसल है वो हमारे इधर नहीं होती है, जंगली जानवर हैं जो वो रोजाना हमें फसल को नुकसान देते हैं, इसलिए हमने सरसों लगाई है। तो सरसों की फसल हमें फायदा देती है, हमारा जो भी घर का रोज है रोजगार है वो इसी से चलता है, इसलिए हमें सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि हमें नया बीज दिया जाए, जिसके हमें नई फसल अच्छी फसल हो, अच्छा बीज दिया जाए, जैसे अच्छी फसल होनी चाहिए। जम्मू की भलवाल बेल्ट में पहले मुख्य तौर पर धान की खेती होती थी, हालांकि किसानों ने अब अलग अलग फसल उगाना शुरू कर दिया है, इससे उन्हें अपनी आमदनी को बढ़ाने का मौका मिल रहा है।